ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। क्या बिहार में 2025 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के लिए दलित राजनीति सिकुड़ती जा रही है? क्या नीतीश कुमार साल 2025 के विधानसभा चुनाव में खेल की तैयारी में अभी से जुट चुके हैं? और क्या एनडीए ने अपनी राजनीतिक विसात से आरजेडी को मात देने की कोशिश अभी से शुरू कर दी? ये ऐसे सवाल हैं जिसकी सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। दरअसल श्याम रजक के आरजेडी छोड़ने के बाद इन कयासों को और बल मिला है। बिहार के चर्चित दलित चेहरे पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको पहली कड़ी में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस, यहां तक अशोक चौधरी नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो महागठबंधन में कोई बड़ा दलित चेहरा नजर नहीं आता जिसके पास अपना वोट बैंक हो। लेकिन सामाजिक न्याय का राजनीतिक विश्लेषण जब भी इसका जिक्र आता है तो लालू प्रसाद का नाम राजनीतिक विश्लेषक जरूर लेते हैं। लेकिन क्या बदली हुई राजनीति में दलित नेताओं से आरजेडी का मोह भंग हो चुका है या आरजेडी से दलित नेताओं का मोह भंग हो चुका है? ये श्याम रजक के इस्तीफे के बाद ऐसा कहा जा रहा है। उन्होंने ऐसे समय पर पार्टी छोड़ी जब दलित आरक्षण का मुद्दा गर्म, ऐसे में लालू यादव पर धोखा देने का आरोप लगाना और फिर आरजेडी छोड़ना आरजेडी को भी और लालू प्रसाद की सियासत को भी कटघरे में खड़ा जरूर करता है। दलित राजनीति पर कौन किस पर भारी है, इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप झा क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। जहां तक बिहार में दलित राजनीति का सवाल है, ये बात तो आप गौर से अगर हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जनजाति में विभिन्न जातियों का एक बड़ा अम्ब्रेला बनाया है। जैसे अगर हम बात करें पासवान समाज का, तो पासवान समाज से जो है चिराग पासवान है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी संजय पासवान और उभरते हुए नेता गुरु प्रकाश पासवान है। महादलितों में अगर देखते हैं तो जीतन राम मांझी है, अशोक चौधरी है, ठीक है, इस प्रकार। और उतना ही नहीं, वाल्मीकि समाज से अगर देखेंगे तो पुराने नेताओं में सत्यदेव नारायण आ रहे हैं, नए नेता में जनक चमार है, जिनके जिनके नाम पर, जिनको साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी और के नेतृत्व में जो जो एनडीए है वो दलितों के बीच आती है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अगर आप महागठबंधन की स्थिति इतनी खराब है कि न तो राष्ट्रीय जनता दल में कोई पिता पुत्र के अलावा कोई दूसरा नेता जो है विशेष रूप से अनुसूचित कोई नेता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी की भी वही स्थिति है, एक ले देकर जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार, लेकिन मीरा कुमार भी सक्रिय नहीं है। यहाँ तक कि जो वामपंथी दल है, वामपंथी दल के पास भी कोई ऐसा उल्लेखनीय नाम दलित राजनीति का नहीं है जिसके माध्यम से वो दलितों को गोलबंद कर सके। तो एक तरफ से देखा जाए तो दलितों की राजनीति बिहार में एक तरफा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में न केवल आरजेडी बल्कि कांग्रेस और वाम दलों के लिए भी दलित समुदाय के वोटों को एक साथ रखने के लिए कोई कद्दावर चेहरा गठबंधन में फिलहाल नजर नहीं आता। इस तरह आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष को दलित वोटों को साधने के लिए कड़ी मशक्कत करनी जरूर पड़ेगी, क्योंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि आरजेडी के साथ दलित वोट बैंक का मोह भंग हो चुका है और लोकसभा में भी दलितों का बड़ा वोट बैंक एनडीए के साथ रहा और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का असर दलित बाहुल्य इलाके में देखने को मिला। मसलन 75% सीटें मिलनी बड़ी बात है दो टर्म के बाद, यानी कि 10 साल के मोदी गवर्नमेंट के बाद। क्या 2025 की राह में सबसे ज्यादा मुश्किलें इस वोट बैंक को साधने की होगी? महागठबंधन में इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है? महागठबंधन इसको रोक पाने में सफल हो पाएगा जो वोट उधर शिफ्ट हो चुका है? ये देखना बड़ा दिलचस्प है। दूसरी बात, प्रशांत किशोर के दावे का क्या, जो उधर कह रहे हैं कि इतने दलितों को हम टिकट देंगे, ऐसे में क्या मुश्किलें हो सकती हैं महागठबंधन के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कमेंट कर हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।